हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज है 14 नवंबर, तो सबसे पहले हैप्पी चिल्ड्रंस डे सारे बच्चों को। और अभी बज रहे हैं 9:30, 9:25 टू बी प्रिसाइज। सो आज का प्लान था मेरा कि करोल बाग जाने का, क्योंकि मुझे बाइक में मॉडिफिकेशन करानी थी, बट दिल्ली का पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो प्लान मुझे ड्रॉप करना पड़ा है। आज का प्लान अब घर पे ही कुछ करना है। वैसे आज मेरे एक फ्रेंड की घर की गृह प्रवेश की पूजा है, तो शायद मैं वहाँ पे जाऊँ, बट वो है। उससे पहले मुझे जाना है हेयर सलून, क्योंकि मुझे अपने बियर्ड्स ट्रिम कराने हैं और थोड़े बालों की सेटिंग करनी है, क्योंकि अभी वैसे बाल तो कुछ है नहीं, ज़्यादा है नहीं, बट थोड़ी सेटिंग ही कराऊँगा, काटने के लिए तो कुछ है नहीं, तो वो करानी है। मेरे फैमिली में भी एक फंक्शन आने वाला है 6 दिसंबर को, तो उसके लिए मुझे टेंट की बुकिंग करनी है। ऑलरेडी मैंने सारे चीज़ें डिस्कस कर रखी है टेंट वाले से, मुझे उसको बस एडवांस दे के आना है। तो ये दो काम है जो मुझे फटाफट करने फ़िलहाल। तो अभी पहले चाय इंजॉय करता हूँ और फिर जाता हूँ अपने उस पर। शायद हम बात कर रहे हैं और शायद हमारा एसडी कार्ड भी आ गया, तो फटाफट लेके आता हूँ। पोपट हो गया दूध वाले भैया थे, तो एसडी कार्ड तो नहीं आया अभी फ़िलहाल, बट सोसाइटी से कॉल आ गया है, सोसाइटी के मेन गेट से। तो इसका मतलब है कि वो कुरियर वाला बंदा अंदर तो आ गया है, बट उसको आने में कम से कम हाफ एन आवर 2-45 मिनट्स लग जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कुरियर होता है उनके पास। तो वो आता है, फिर मैं उसको अपने कैमरे में लगाता हूँ और आपको सीधा रोड पर मिलता हूँ। तब तक के लिए चाय एंजॉय करता हूँ। तो टेंट का काम पूरा हो चुका है, अब जाना है सीधा सलून में। वहाँ पे जाके थोड़ी ग्रूमिंग कराऊंगा, और फ्रेंड का फ़ोन भी आने लग गया है, उसके हाउस वार्मिंग जो पूजा है वो स्टार्ट होने वाली है, तो इज कॉलिंग कि जल्दी आ जा करके। तो ऊपर पहले तो फटाफट चलते हैं अपना सलून, उसके बाद सीधा मैं आपको सीधा मिलता हूँ अब घर पे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको क्या हुआ, ये तो सलून गया था इसने बाल तो कटाए नहीं, ऐसे ही आ गया। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैं सलून तो पहुँचा, बट मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि तू मतलब पूजा स्टार्ट हो गई, ऑलमोस्ट फिनिश पे है, तो तू जल्दी आ। तो मुझे वो मतलब सलून में पहुँचा ही था, तो बीच में ही वो छोड़ के आना पड़ गया। अभी मैं उसके घर जा रहा हूँ, दूसरी सोसाइटी है उसकी, बगल में सोसाइटी है, ज़्यादा दूर नहीं है, जा रहा हूँ। और फिलहाल मुझे उसकी बेटी के लिए दूध लेके जाना पड़ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स फ्लिप द कैमरा, ये रहा, ये रहा वो दूध जो मुझे लेके जाना है। तो फिलहाल मैं पहुँचता हूँ उसके घर और फिर आप लोगों से बात करता हूँ, बाय। एक होता है ना, आप लोगों को जल्दी होती है कहीं जाने की और जल्दी पहुंचना होता है, तो वहां पे ज्यादा लेट होता है, वही केस हो रहा है मेरे साथ। गलत टावर में आ गया, इसका टावर M है और मैं पहुंच गया M1 में, अब चलते हैं सही टावर में। किडनी पे जोड़ा है कि नहीं आया? बिल्कुल आ रहा है, तो एक एक साइड थोड़ा दर्द रहता है बस, बाकी सब ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी सब ठीक है। एक गई है, दो गई है? नहीं, एक ही गई, दो जाती तो मैं ही नहीं रहता। तो गाइस, फाइनली मेरा जो मेमोरी कार्ड है वो आ गया है, ये रहा, मैं इसको ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया है, फाड़ लिया है, अनबॉक्स किया है। अब इसको मैं इंस्टॉल करूँगा अपने GoPro में,
और जो क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो गोप्रो का था वो निकाल के अपने DJI पॉकेट 2 में लगाया हुआ था, तो अभी क्या करूँगा कि जो नया आया है उसको लगा दूँगा अपने गोप्रो में। और जो गोप्रो है वो है मेरे पास गोप्रो Hero 9। इसकी बैटरी निकाल लेते हैं। इसकी बैटरी एक्चुअली स्पेयर बैटरी मिल ही नहीं रही है, बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ, जब से मैंने गोप्रो लिया है तब से मैं ट्राई कर रहा हूँ इसकी स्पेयर बैटरी की, बट स्पेयर बैटरी मिल ही नहीं रही है। तो ये इंस्टॉल हो गई है इसके अंदर, मैं वापस से ये लगा देता हूँ। और सुबह से मैंने फिर से अभी भी अपने गोप्रो को चार्ज नहीं किया है, क्योंकि मुझे अभी यूज़ था नहीं इस गोप्रो का, तो मैंने अभी इसको किया नहीं चार्ज इसको। और ये है मेरे पास गोप्रो का मीडिया मॉड, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ एज अ हाउसिंग भी, और प्लस एक्सटर्नल केस भी, और प्लस फॉर माइक पर्पस ऑल्सो। तो ये फटाफट रेडी हो गया। गोप्रो में एक चीज़ मुझे ख़राब लगी, जो कि जिसमें DJI पॉकेट 2 में अच्छी है, कि आप चार्ज करते टाइम भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आप गोप्रो में ऐसा नहीं कर सकते, और ये गोप्रो को करना चाहिए। अगर इफ़ यूर अगर ये ऐसा ऑप्शन इनेबल कर दे तो आराम से आप अपनी बाइक पे इसको माउंट करके या हेलमेट में माउंट करके इसको पावर बैंक के थ्रू चार्ज किया जा सकता है फॉर कंटिन्यूस फुटेज, बट ये आपका गोप्रो इसको अलाउ नहीं करता, तो हम इसको कर नहीं सकते फिलहाल। इसको वापस से रख देते हैं। ये इसका हैंडलर है, ये भी इसमें ही रहता है कैरिंग केस में। और अब हम चलते हैं जिम की तरफ। जिम टाइम ओवर, अब घर की ओर निकल पड़े हैं। लेट मी शो यू हाउ माई सोसाइटी लुक्स इन द नाइट। ये जो सेक्शन है मेरे सोसाइटी के थोड़ी अमीरों वाले हैं, इट्स लाइक 4 BHK, प्राइस थोड़ी हाई है यहाँ की, बट ये कुछ ऐसा सा दिखता है। फाउंटेन बंद है आज, फाउंटेन बंद है क्यों? सारा वहीं पे चलाते हैं वहाँ पे, क्यों अभी बंद है? बट यहाँ पे एक बोट साइज का, बोट शेप का फाउंटेन है, वो डिज़ाइन पूरा बोट का बना हुआ है। दो स्पीकर लगा के म्यूजिकल फाउंटेन बना दिया इन्होंने, ऐसी कुछ लगती है मेरी सोसाइटी। आप पीछे बैक में देख सकते हो, पूरा कैमरा बहुत मुश्किल सा है यार हैंडल करने में फिलहाल।
जिम से आ गए हम। अब इंजॉय कर रहा हूँ मैं अपनी शाम की चाय, क्योंकि ऑल दो मुझे ये जिम से पहले पीनी थी बट जिम के टाइम पे मुझे मिली नहीं, तो मैं जिम से आने के बाद पी रहा हूँ। और चाय को इंजॉय करते करते इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपको कुछ नहीं पसंद आया होगा, इफ़ यू वांट टू चेंज ऑल तो देखो, मैंने स्टार्ट ही किया, ये मेरा तीसरा ब्लॉग ही है, और जो कैमरा है वो मैं फर्स्ट टाइम हैंडल कर रहा हूँ, तो अभी उतनी तरीके से उतना बढ़िया फुटेज नहीं निकाल पा रहा मैं जितना मुझे निकालना चाहिए, बट हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ, और आई नो कि मैं धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर लूँगा इसमें। तो फॉर फॉर दैट, अगर आपको कुछ नहीं पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि क्या आपको नहीं पसंद आया और कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। आप कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी, प्लस मैं सीख भी सकता हूँ कि क्या इम्प्रूव, क्या गलत किया मैंने, वो मुझे पता चलेगा। और हाँ, अब इतना देख ही लिया आपने और यहाँ तक पहुँच गए तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है यार, तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। और हाँ, मैंने आज डिसाइड किया है कि आई विल अपलोड डेली ब्लॉग्स, तो हर रोज, जैसे आज है 14th, तो ये ब्लॉग कल आएगा 15th को, देन इट विल कंटिन्यू टिल जब तक मैं बना सकता हूँ तब तक मैं बनाऊँगा। तो तब तक के लिए बाय।